सौरभ सेठ जयपुरिया और उस्मान भाई, ठीक है जी। किस तरह आयोजन करने जा रहे हैं? ऐसा है कि ये जो आयोजन है इसका जो उद्देश्य है ये लोगों को रोजगार देने का होता है। जैसे इस मेले के माध्यम से फन फूड जोन और प्लस जो नए लोग होते हैं जो रोजगार करना चाहते हैं, अब बहुत से लोग दुकान देते हैं किराए पे जैसे मार्केट के अंदर, तो वो ये सोचते हैं कि 3 महीने का एडवांस देना पड़ेगा, 2-4 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे आप मान लीजिए कुछ ही पैसे देंगे टोकन, आप अपना स्टॉल लगाते हैं, 2 फायदे होते हैं दुकानदारों के। पहला तो ये है कि वो व्यापार करना सीखता है, दूसरा फायदा ये होता है कि वो एक एडवर्टाइजमेंट की जो बात आती है, मतलब जो किसी के प्रोडक्ट को मार्केट में लोग नहीं जानते उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कब से कब तक ये आयोजन रहेगा? सर ये आयोजन रहेगा 3 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2022 तक। यहाँ और भी इवेंट लगते हैं, रावी इवेंट द्वारा भी काफी, तो किस तरह से डिफरेंट होगा, लोग आपके मेले में क्यों आए? देखिए सर, मेरे मेले का जो उद्देश्य है वो ये रहेगा कि यहाँ पे मैजिक शो भी रहेगा। पहली बात तो ये, तो अभी तक इस तरह के आयोजन में मैजिक शो आगरा के अंदर नहीं हुआ है, मैं आपको बताऊँ। और दूसरा ये हमारे यहाँ पे जो दुकानदार आए हैं उनका कुछ मतलब रेट में थोड़ा कम लगा। कितने स्टॉल होंगे और कितने झूले वगैरह क्या क्या लगेंगे? देखिए सर, जिलाधिकारी महोदय आगरा का जो आदेश है दुकान लगाने का प्लस झूले का तो अभी नहीं है, और जैसे कि उसकी झूले की जगह पे फिलहाल हमने जो है मैजिक शो का आयोजन करने का जो प्लान किया। इस आयोजन में आपके साथ साथ आपके और भी सहयोगी पार्टनर हैं कुछ? जी, मेरा कोई सहयोगी पार्टनर नहीं है, मतलब मेरा एक अजीज है, मेरा भाई है, वही मेरा सहयोगी है, वो अभी यहाँ पे आए नहीं है। इससे पहले भी आपका एक्सपीरियंस रहा है कुछ इस तरह का? हाँ सर, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं पिछले 6 साल से लगातार ऑल ओवर इंडिया एक स्टॉल धारक था, जगह जगह मैंने खुद ही दुकान लगाई है, मतलब पूरा मैंने प्लान खुद ही किया है, तो मैं एक प्रैक्टिकली। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।